अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फोटोग्राफर मोहम्मद अजहर हफीज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और फोटोग्राफी से मुतल्लिक मालूमात हासिल कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे होती है, उसके अंदर से शाइन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। शहद की कुछ बॉटल्स हैं जिनको आज हमने शूट करना है, एडिट करना है, सब आपसे शेयर करेंगे। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, जिस पे हमने मैजिक स्ट्रिप की मदद से मुख्तलिफ चीजें ऐड की हुई हैं। हम सिंपली वाइट पैराशूट की मदद से इसको बंद करते हैं ताकि हमारी लाइट की रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए। तो हम वाइट शीट को रख लेंगे, जो नंबर प्लेट जिस शीट से लगते हैं। हमने वाइट जो प्लास्टिक होता है, लेदराइड होता है, उसके ये बैकग्राउंड बनाए हुए हैं, जो इसकी दोनों साइड पे हमने मैजिक स्ट्रिप लगाई हुई है। इसे क्या होगा, हमने यहाँ पे रख के इसको बैकग्राउंड के तौर पर पेस्ट किया और जो कवर एक हमने उतारा था, हम इसको दोबारा से इसके ऊपर लगा देते हैं। अब हुआ हमारे पास ये है कि हमारे पास विद बैकग्राउंड एक स्टूडियो बॉक्स जो है, अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, मैं आपको शूट करते हुए दिखाता हूँ कि हमने इसके अंदर इसको यूज किया। अब हम इसके अंदर आसानी के साथ प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। उसको लाइट कैसे करना है वो मैं अभी आपको थोड़ा गाइड कर। अगला मरहला है कि हमने लाइट बॉक्स शॉर्ट बॉक्स को जोड़ना कैसे। हमारा ये शॉर्ट बॉक्स है जिसको हम जोड़ते हैं। कोशिश करें कि ऐसा शॉर्ट बॉक्स लें जिसमें लाइट बाहर रहे। उसका आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो लाइट है उसको आप आसानी से और दूर से नजदीक से ज्यादा बेहतर तौर पर कंट्रोल कर लें। हम आए, हमने इसके अंदर अपना ये रखा और इसकी जो वायर है उनको इसके साथ लगाना शुरू कर। अभी हम इसके अंदर पैराशूट के इसको हम दो लेयर इसलिए लगाएंगे ताकि लाइट मजीद सॉफ्ट हमारे पास पहुंचे। ये पहली लेयर जो है इसके अंदर लग चुकी है। अभी हम दूसरी लेयर लगाते हैं। लगाने के बाद मैं दिखाऊंगा कि शॉर्ट बॉक्स की शक्ल क्या बनेगी, क्योंकि इसको खड़े होकर लगाना है। इसकी ये शक्ल बन गई है। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लग गई है और जिससे होगा ये कि अब इसकी लाइट मजीद सॉफ्ट होगी। अब हम इसके ऊपर हनीकॉम्ब कह सकते हैं या स्ट्रिप्स लगाएंगे ताकि लाइट को मजीद सॉफ्ट किया जा सके। वो भी मैं अभी आपको लगाने के बाद दिखाता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसको लाइट को आगे मजीद सॉफ्ट करने के लिए एक हनीकॉम्ब लग गया है। इससे लाइट की डायरेक्शन भी ब्रेक होगी और हमारे पास मजीद सॉफ्ट लाइट आ जाएगी और इसके लाइट बाहर वाली साइड पर लगेगी, जिसका हम एडवांटेज लेंगे। ये गुडएक्स की लाइट है जिसको हम यूज करेंगे इसके लिए। ये लाइट लग चुकी है। अभी मैं स्टैंड रेडी करके तो फिर आपको उसे अगला प्रोसीजर दिखाता हूं। नाजरीन, हमारी गुडएक्स AD600 लाइट, हमारा स्टैंड, उसके पीछे हमने 6 kg वेट भी है जिसने इस ऑक्टा को उठा लिया। ये आर्म भी अब आसानी से अवेलेबल है। ये स्टैंड लगा हुआ है। अभी हम आपको शो कराते हैं कि इसमें काम कैसे होगा। फिलहाल आप सिर्फ इस सेटअप को देखें। थैंक यू वेरी मच। शूट के लिए हम रेडी हैं। शहद की बॉटल है, स्पोर्ट क्वालिटी भी है और पाकिस्तान में देने वाली भी। इसको हम मुख्तलिफ तरह से शूट करेंगे। हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं नाइकन D850, उसके ऊपर ट्रिगर लगा हुआ है और जो गुडएक्स की लाइट को वायरलेसली ट्रिगर करता है। और इस तरह से हम जब हम प्रोडक्ट शूट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हम अपर्चर लें। अभी हम 16 अपर्चर पर काम कर रहे हैं और हमारा जो ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो एज टू एज फोकस आए। उसके बाद हमारे पास जो लाइट है उसको हमने 1:2 पे रखा हुआ है, हाफ कैपेसिटी पे, ताकि उसको शूट करें। 125 इसका शटर स्पीड है
और जो है ISO जो है वो 100 है, ताकि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइन देख सकें। तो अभी मैं आपके साथ शूट करता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इमेजेस कैसे आते हैं। इमेजेस में आपको एडिट करके तो इसके अंदर ऐड कर दूँ। अब हमारी जो प्रोडक्ट है हम मैक्रो लेंस यूज़ कर रहे हैं। अपर्चर हमारा इस वक्त F22 है। मैं अभी आपको अगले शूट में दिखाऊंगा कैमरा कैसे काम कर रहा है, कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये हमने फ्रेम बनाया। फ्रेम बनाने के बाद हम इसको लाइव व्यू पे देख रहे हैं, ट्रिगर करते हैं, तस्वीर हमारे पास आ जाती है। एहतियातन हम दो इमेज लेते हैं। प्रोडक्ट थोड़ी सी बिखरी हुई है, इसलिए हम जो है F22 अपर्चर यूज कर रहे हैं। शटर स्पीड 125 है, मैनुअल मोड है, ISO 100 है। इसको रॉ पे हम एक्सपोज कर रहे हैं, इसके बाद में हम कलर करेक्शन करेंगे। तो आपको सारा सेटअप जो है इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है अभी इससे आगे चलते हैं। हम फोटोशॉप में जाते हैं। फोटोशॉप में जाकर हम देखते हैं कि हमने अपना काम जो है वो कैसे करना है। इसको हम अभी आपको दिखाते हैं। ब्रिज खोलते हैं ताकि हम डाटा को सर्च कर सकें। डेस्कटॉप पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक तस्वीरें बनाई। हम इनको खोलते हैं, तस्वीरें हमारे सामने। हम इन सारों पहले एक तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा सही करते हैं, इसका कंट्रास्ट बेहतर करते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर को दोबारा खोलते हैं, हाइलाइट्स को सेट करते हैं, शेडोज को बेहतर करते हैं और दोबारा से हाइलाइट्स को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। ऑल प्रेस करेंगे ताकि हम इसकी जो वाइट्स हैं उनको बेहतर कर सकें। उसके बाद हम ब्लैक्स को देखेंगे, ऑल इट ठीक है। इसका डिटेल थोड़ी सी बढ़ाएंगे, इसकी क्लैरिटी इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद इसको हम डीहेज करेंगे और थोड़े से कलर को हम वाइब्रेंट कर दें ताकि इसके अंदर हमें प्रॉब्लम रहे। ऑलमोस्ट इमेज ठीक है। जो हमारे कलर्स हैं क्लाइंट के उस पर ये पूरा उतरता है। अब हम सारे इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने सेम लाइट में किया है। ऑल्ट एस करेंगे ताकि हम इसको सिंक्रोनाइज कर लें। सारे इमेजेस पे वो सेटिंग जा चुकी है, लेकिन हम अभी हम सबको इंडिविजुअली खोल कर देखेंगे कि इसमें कोई ज़रूरत तो नहीं है कि जो हम चेंज कर सकें। जैसे इसकी हाईलाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई, इसको हम बेहतर करते हैं। इससे ऊपर डबे जाते हैं, इसकी भी थोड़ी सी एक्सपोजर कम कर दें। इससे ऊपर डबे को आते हैं, थोड़ा सा एक्सपोजर को कम कर दें। इसके बाद हम इससे क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं सबके मुताबिक लाइट कम या ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही, उसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। इसके बाद हम इसको रिटच करेंगे इंडस्ट्रियल ताकि हम इसके एक्चुअल कलर तक पहुंच सकें। इसकी करेक्शन करेंगे तो इसके अंदर एंगल्स का फर्क है। फोटोग्राफर को पता होता है कि उसने कौन से कलर्स को एक्सपोज किया है, तो उन कलर्स को मैच करना उसके लिए मुश्किल नहीं होता। जो भी लाइट एंड डार्क कलर शूट कर रहा था, आपने देखा होगा हमने सब इमेजेस के दो दो इमेजेस बनाए हैं ताकि कहीं पे फोकस में इशू आए या कोई इशू आए तो हम उसको मैनेज करते चले जाएं। लाइट ऑलमोस्ट सेम है तो उसके रिजल्ट्स भी सेम ही आएंगे। इन तस्वीरों की फिनिशिंग हम करेंगे। अभी जस्ट हम जो है इसको कलर्स को कंट्रोल कर लें। इन सारों को हम एज जेपीईजी सेव कर लेते ताकि हम फर्दर मोर इस पर काम कर सकें।
सेम फोल्डर में हम इनको सेव कर लेते हैं। हमारी पहली प्रोडक्ट हमारे सामने है, हम देखते हैं कि हमने इसको रिटच कैसे करना है। हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश जो कि बहुत अच्छा टूल है, इसका साइज हम बड़ा करेंगे। जैसे बॉटल के नीचे ये कुछ निशानात आ रहे हैं, इनको वाइप करेंगे। स्टेम टूल भी है लेकिन जो हीलअप टूल है ये ज़्यादा बेहतर तौर पे इसको हीलअप कर देता है। अभी हम इसके लिए स्टेम टूल लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। हमने यहाँ से आल्ट की दबाया, इसको स्टेम किया और यहाँ आकर इसको क्लियर कर दिया। बेसिकली क्योंकि बहुत ज़्यादा अपर्चर की फोटोग्राफी होती है तो इसमें बहुत सारे फ्लाज जो बॉटल के हैं चीज़ों के आ जाते हैं जो कि आम नेकेड आई को नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसका बेहतर तरीका यह है कि हम उनको साफ़ कर दें ताकि उस प्रोडक्ट पे हमारी फोटोग्राफी की जो गलतियाँ हैं उस प्रोडक्ट पे असरअंदाज ना हो। तो हम आसानी से इसको एक नीट क्लीन प्रोडक्ट बना देंगे। अभी इसका फालतू एरिया को हम उड़ाते हैं। इसकी फील ऐसे आ रही है जैसे बॉटल थोड़ी सी टेढ़ी होती है, हम इसको उसके मुताबिक सीधा करेंगे। अब इसके नीचे हमने हॉट ग्लू की मदद से स्टिक को खड़ा किया, हम इसको रिमूव करें। थोड़ा सा केयरफुली करें तो ये आसानी से हो जाती है। हल्का सा हम रहने देंगे ताकि उसका शेडो भी रहे और उसकी शेप ख़राब ना हो। बैकग्राउंड के लिए हमने लेदराइट यूज़ किया क्योंकि इसमें सिल्वर्ट नहीं आती। लेदराइट जो आर्टिफिशियल लेदर होता है और जो सोफ़े की बैक पोशिश वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ज्वेलरी के डब्बों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। और पहले हम पेपर शीट्स यूज़ करते थे, उसमें से चांस होता था कि हम जो है उसके गंदे होने का चांस होता था। इसमें गंदा होने पे आप आसानी के साथ इसको रब करके इसको जो है साफ़ कर सकते हैं। अगर आप सर वाला कपड़ा भी चाहें तो वो भी लगा कर इसको नीट कर सकते हैं। हमने बहुत इजीली इसको थोड़ा सा नीट किया। हमारी एक बेहतर फॉर्म की प्रोडक्ट जो है वो हमारे सामने है जिसको हम क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतर यह है कि अगर हम इसकी जो लेदराइट की लाइंस आ रही हैं उनको क्लियर कर जाएं। इसके लिए आपको जो हीलिंग ब्रश टूल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि वो आपको बार बार सैंपल ना लेना पड़े, क्योंकि स्टेम टूल में बार बार आपको सैंपलिंग करनी पड़ती है, स्टेम करना पड़ता है, जबकि हीलिंग ब्रश में आपको ये वाली तकलीफ कम उठानी पड़ती है। हम अंडू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक स्पॉट आ रहा है, इसका नीट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही अच्छा शहद है और यूएई की प्रोडक्ट है और रॉ और अनप्रोसेस्ड है जो बहुत हेल्दी होता है। तो अच्छा लगता है अच्छी प्रोडक्ट्स पे फोटोग्राफी करते हुए कि आप गुड चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारा पहला इमेज ऑलमोस्ट रेडी है लेकिन फिर भी हम इसको मज़ीद नीट भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीक़ाकार है कि हम तस्वीरों को खींचते कैसे हैं, उसको रॉ में ट्रीट कैसे करते हैं और उसके बाद उसकी फिनिश प्रोडक्ट कैसे आती है। देखते रहिए MH फोटोग्राफी, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ रहिए। हम इस तरह के और भी प्रैक्टिकल जो कोर्सेज हैं और टेक्निक्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।